ऐसा बैठेंगे बोलेंगे ओ बैंडी क्या नींद आती है यार उस पे। हेलो तो कल रात को मैं जल्दी सो गया था, मतलब 11:30 तक सोचा था कि सुबह 9:30 तक तो उठ ही जाऊंगा। 9:30 तक तो उठा नहीं, 1:30 को उठा। राइट नाउ इट्स 2:10। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। शुड आई कॉल इट पर्क्स ऑफ लिविंग अलोन और द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लिविंग अलोन? आई विल कॉल इट पर्क्स ऑफ लिविंग अलोन। मेरे घर का ये वाला हिस्सा आप ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में देख ही ले। तो बेसिक छोटा सा जिम जो मैंने बनाया है, पंचिंग बैग और कुछ वेट्स, लगभग लगभग हर एक बॉडी पार्ट मेरा इससे हो जाता है। एक मेजर चीज आज जुड़ने वाली है इसमें, वो है बेंच। एक बेंच की बहुत जरूरत पड़ती थी मुझे, तो वो भी आज आ जाएगी। सो आई एम वॉचिंग स्वदेश फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। मेरी वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, 2004 की मूवी है। मेरे हिसाब से शाहरुख की बेस्ट पिक्चर है ये। वसीम को भी बैठ के दिखा रहा हूँ। एक्चुअली हम लोगों तीन बार देख चुका हूँ, मेरे को क्या भूल। मैं तो पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ। जमाने की पिक्चर है भाई, 2004 की है। छोटे से बच्चे थे हम लोग। ये आवाज आ रही है, उपेंद भाई आया बेंच लेके, बाइक पे ले गया। मजाक कर रहा। ये बाइक का एग्जॉस्ट इतना लाउड साउंड करता है। हम लोग घर के अंदर थे, क्लियर आवाज आ रही थी इसकी। मतलब मैंने दरवाजा खोला तब भी ऐसे स्टेयर के आवाज आ रही थी। अच्छी बात है। वो जब वहां थे, वो वहां से पीछे पीछे वाली जगह से बोलो। और अभी न्यू डंबल्स भी आया है, न्यू बेंच आया है, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे। उवेद भाई डंबल उठा रहे हैं, ये लोग बेंच उठा रहे हैं। वसीम 40 पाउंड का डंबल लेके घर में। सबसे महंगी और सबसे एक्सपेंसिव चीज़ उठा रहा हूँ, हेलमेट। अभी जो सो के उठा ना कुछ टाइम पहले, तो मेरी बॉडी कोल्ड है, कुछ ना कुछ कैच हो जाएगा अगर गलत उठाया तो। अब कितना है वर्कआउट करते हो, जब 40 पाउंड या 50 पाउंड का डंबल लेके दो फ्लोर चढ़ोगे ना, अच्छा खासा बॉडी पंप हो जाती है। इधर रख दो, देखो पूरी बॉडी पंप हो गई है, तो वेंस वेंस भी पॉप आउट हो गए। अरे भाई जिम नहीं है भाई, फ्लोर टूट जाएगा। 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, दौड़ो। पवई में बिल्डिंग गिर गई, डंबल किसी ने चोर से पटक दिया। अभी जो बेंच है इट इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी हम लोग ये रूम को थोड़ा सा एक छोटा सा जिम में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी उपित भाई जो है वो माप ले रहे हैं कितना क्या आएगा। ये जो बेड है ये जाएगा, और यहाँ पर कोने में एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको वसीम, ऑल इन वन टाइप आता है वो, मल्टी यूनिट करके कुछ तो है वो यहाँ पर आएगा। ऑफकोर्स ये चेयर हट जाएगी, मेरा पैनी हट जाएंगे, यहाँ पे डंबल्स आ जाएंगे पूरे। ऐसा प्लान कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल होता है, कब होता है वो तो आप देख ही लोगे। अभी एक अपन टेस्ट करेंगे लाइट वेट के साथ, मतलब खुद के घर के कंफर्ट में ऐसा सब करना। ओ हो। अभी एक अच्छा है चेस्ट और बाइसेप्स और अपना शोल्डर, ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। पहले भी हो रहा था बट अभी थोड़ा बेटर हो जाएगा, जैसे टाइगर से BMW पहनने पे कैसे राइट थोड़ी बेटर हो जाती है वो। और मैं लिख के देता हूँ, सोरन पाजी आएंगे ऐसा बैठेंगे बोलेंगे ओह बैंडी क्या नींद आती है यार उस पे। अभी ये मेरी BMW GSA की चाबी है, इसका अगर मुझे एक्स्ट्रा की चाहिए तो 24,000 लगते हैं। हाँ ये छोटी सी चाबी आपको मिलती है, तो अगर मान लो ये गुम जाती है और मुझे वायरलेसली बाइक चालू करनी है, क्योंकि कीलेस इग्निशन है इसमें, तो इसको मुझे सीट के नीचे चिपकाना पड़ेगा। कीलेस के फायदे अनेक है, लेकिन गलती वहीं होती है जब सीट खोलने जाओगे, चाबी वहाँ छूट जाएगी, गिर जाएगी, फिर लग जाएगी, फिर बाइक चालू होगी नहीं, और फिर आपको कंप्यूटराइज चाबी चाहिए। एक अच्छी चीज़ है कि ये जो पार्ट है इसमें चिप नहीं, जो कि ट्रायम्फ की चाबी में चिप आती है, सीट ओरिजिनल चाबी से खुलती है। इसका अगर मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ सीपी वाला पार्ट का, तो मैं सीट और पैनीज बने खोल सकता हूँ, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। मेरे वसीम जाएंगे RCT में, वहाँ पर बनेगा 500 रुपये में, तो 500 रुपये देना बेटर है ना 24,000 देने से, करेक्ट। भैया भाई साहब को पूछा, ये भाई साहब बोले कि ये नहीं बनाते, अभी RCT जाना पड़ेगा घाटकोपर के लिए, तो इनका कोई बड़ा भाई आ रहा है, तो मैं वसीम जाएंगे वो बनाएंगे। ये बोल रहे BMW लेके आओ चेक करना पड़ेगा। मैंने भाई तू बना दे अभी, BMW क्या लेता फिरूँ मैं घूमता फिरूँ, पर ट्राई तो करना ही पड़ेगा, तो वापस जाके ट्राई करूंगा फिर जो भी देखेंगे। देखिए प्लास्टिक टूट सकता है, तो मैंने अभी अपना ओरिजिनल चाबी दिया, लेकिन ये नहीं हुआ, ये थोड़ा जो अंदर से होता है। अभी मैं बोला चाबी नहीं बन रही, तो क्या हुआ इसका PUC निकाल देता हूँ, तो पेट्रोल पंप पे आया PUC बनाने के लिए। आप बोलोगे न्यू बाइक पे PUC नहीं निकलती है, है कुछ अभी कहीं अगर जाना वाना है, कुछ पेपर निकालना है, तो उसके लिए अभी नया रूल है। मैं बोला है तो निकाल लेते हैं, मगजमारी नहीं चाहिए अपने को बाद में। 2 मिनट का काम था मेरा चाबी वाले का, बोलता है अभी बना के देता हूँ। पहले मैं गया, वो था नहीं, वो चले गया। वसीम ने फोन किया, आप हो, हम गए, वो चले गए। आधे घंटे बाद आया, उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए घाटकोपर RCT के उधर बनाने के लिए। वहाँ पर आधा घंटा R&D किया, पहले बोलता है प्लास्टिक की चाबी टूट जाएगी। मैंने लो भाई ओरिजिनल लो। कौन सी बाइक की है? मतलब BMW की गाड़ी की बाइक है। मतलब बाइक है, तुमको क्या करने गए? चाबी बनाओ ना, गाड़ी बाइक की क्या, बट ठीक है आई अंडरस्टैंड, कभी सिक्योरिटी पर्पज के लिए पूछना पड़ता है, शरीर से चोर लग सकते हैं हम लोग। आजकल बहुत सारे टाइप के चोर होते हैं, हमने हेलमेट नहीं निकाला था ना, तेरा चेला क्योंकि मैं आगे चप्पल वाले में, तो बोलता है बॉस पीछे खड़ा है, चेले को आगे भेजा। एंड में बोलता है भाई हम काटते हैं ना वो ब्लेड, वो बोलता है वो इससे नहीं कटेगा, आपका चाबी डैमेज हो, मैंने काम कर ले चाबी दे मेरे को,
और मैं आ गया, मतलब बाहर निकलो आप यूसीपी बना देता हूँ, और बना दिया मैंने। अभी स्वदेश कंप्लीट करने का, फिर मिलने का। आज जब उबैद भाई आए थे तो वसीम ने क्या कॉफी बनाई थी? वसीम वैसे ले कॉफी बना ना, इट्स टाइम फॉर प्रोटीन शेक, कुल्फी पिएंगे। आज एक्चुअली हमारा प्लान था बाहर जाके बहुत सारी चीजें करने का, वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। इससे भी बढ़िया, हमारा कल गुजरात निकलने का प्लान था, पास वास सब आ गए, वो भी कैंसिल कर दिया। मतलब अभी हम लोग गुजरात के लिए रेडी हो रहे थे, कल निकल जाते, उससे ब्लेंडर आया ना, एक नंबर प्रोटीन शेक बनता है। तो ये पहला वाला वसीम के लिए, ये देखो, ओहो ऐसा लग रहा है दूध डाल रहा हूँ। थिकनेस देखो क्या मस्त बनता है। 22 जुलाई भी हो गया 2020 का, आधे से ज्यादा साल निकल गया। 4 महीने COVID-19 के साथ क्वारंटीन लॉकडाउन, पता नहीं क्या क्या चीज आप जो हंसते खिलखिलाते चेहरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते हो उसके पीछे स्ट्रेस जो था वो और दुगना बढ़ गया। स्टिल आई थिंक वी ऑल आर कोपिंग अप रियली रियली वेल। वो जैसे जितने भी 90s किड है, हम जब स्कूल में थे तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात पता क्या थी, अल्टीमेट शो ऑफ थिंग होती थी हमारे हाथ में अगर फोन होता था, टक 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 वाला फोन, कलर भी नहीं, कलर तो शायद बहुत बाद में आया। थोड़े अगर अमीर बाप के बच्चे रहेंगे तो कीपैड है उसमें भी बत्ती जल, लड़कियों से बात करना उस वक्त हर लड़कों के लिए आसान नहीं होता था। अगर आप डायरेक्टली बात करते हो तो आप बड़े स्टार्ट हो। अभी भी हमारे जैसे फट्टू लड़के हैं लेकिन आपके पास एटलीस्ट व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेज तो है डायरेक्टली मैसेज करने के लिए। बीच में 2010-2011 में मेरे टाइम पे एक चीज आई थी कि हे डू यू हैव बीबी, अभी जैसे व्हाट्सएप पूछते हैं, बीबी मतलब ब्लैकबेरी मैसेंजर, हम बीबी पिन मानते थे, एक्सचेंज करते थे और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे। साइकिल चाहिए आपको, कुछ भी 2-3 हज़ार रुपये की चीज़ चाहिए तो भाई साहब मम्मी डैडी के सामने जो भीख मांगनी पड़ती थी। अभी तो मैं देखता हूँ कुछ कुछ बच्चे iPods, iPhone और ऐसी 40-50 हज़ार रुपये की चीज़ तो ऐसे मांगते रहते कि इट्स अ बिग डील गाइज, बट इट इज़ अ बिग डील। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी जब मैं शक्तिमान सर को, मुकेश खन्ना जी को मिला था, आई वॉज वेरी टाइनी, मैं बहुत बड़ा फैन था उनका, अभी भी हूँ मैं। And I was literally shivering and I was like, Daddy, मुझे मिलना है ऐसा हो गया था। तो now when I meet some of you guys जो कि थोड़े कांपते हो, एड्रेनल रश किक होता है कि ओ माई गॉड यू आर मीटिंग समबडी हुम यू वॉच एंड यू एडवायर सो मच, सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। हमारे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। मैं ये आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये 2012-13 तक सीन था, उसके बाद जो टीनेजर्स आए, मतलब आप लोग जो हो, अगर आप जो अंडर 20 हो, तो आप लोग के पास इंटरनेट आ गया। और इंटरनेट में, इंटरनेट इतनी बड़ी दुनिया है ना गाइस, कि आप सही गलत जो आपको सही लगता है आप उसको चुनते हो। मुझे पता है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मोस्टली मेरी तरह ही सोचते हैं, मेरी तरह ही दुनिया को देखते हैं, इसलिए आप ऑब्वियसली मुझे फॉलो करते हो। अगर आप मेरी तरह सोचते नहीं, मेरी तरह दुनिया को देखते नहीं, प्रॉब्लम मेरी तरह बनना नहीं चाहते, तो आप मुझे फॉलो क्यों करोगे? ऐसा क्या खास है मेरे वीडियो में? हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हम सब गालियाँ देते थे, अभी भी देते हैं, उस वक्त गाली देना बड़ी बात होती थी और लोग ईजिली ऑफेंड हो जाते थे। मुझे याद है स्कूल कॉलेज में गाली कैसे दिया, भाई सॉरी बोल के होता था। अभी आई डोंट थिंक दोस्त गाली, अब दोस्त लोग को, दोस्त लोग की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे एनिमी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो दोस्त लोग तो ऐसे गाली देते कि पूछो मत। एंड वी एक्चुअली फॉलो एंड लाइक पीपल, एंड पीपल हु अब्यूजेस ऑन इंटरनेट, देयर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, इज नो हार्म इन फॉलोइंग पीपल एंड वॉचिंग देयर वीडियोज, बट द थिंग इज दैट कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो आपके दिमाग पे एक बहुत बड़ी छाप छोड़ देते हैं उनकी पर्सनालिटी की। जिस तरह जब मैं छोटा था तो मैं कैप्टन प्लैनेट देखता था, मुझे प्लैनेट को बचाना था, फिर मैंने शक्तिमान देखा, मुझे शक्तिमान जैसा बनना था, गंगाधर या फिर शक्तिमान, जब भी शक्तिमान एंड होता था तो एक सलाह देते थे हमको फॉलो करने के लिए, इस तरह नहीं सोना, उस तरह नहीं सोना, प्लास्टिक बैग क्यों नहीं यूज करना, ऐसे बहुत सारी चीज, और वो हमारे दिमाग पे छप जाता था। और अभी तक कहीं ना कहीं हम जो 90s के कीड़े वो उसको फॉलो करते हैं। सिमिलरली आप जो टीनेजर्स लोग हो, आप जब ऐसे वीडियोज देखते हो तो आपके दिमाग में छप जाता है, एंड इमेजिन करो आगे जाके वो कितना बड़ा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी ज़िंदगी में। मुझे पता है शायद अभी वो आप लोग चीज़ नहीं समझो, लेकिन मुझे ऐसा मन किया अचानक से कि मैं कैमरे के सामने बैठूं और वन ऑन वन आप लोगों के साथ बात करूं। कुछ दिनों पहले रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं पहले ट्विटर पे स्क्रॉल किया, फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया, फिर मैं फेसबुक पे आया। फेसबुक पे मुझे एक टिकटॉक वीडियो मिला, अमेरिकन टिकटॉक वीडियो था, कॉमेडी था, बहुत सारे कॉमेंट में एक कॉमेंट था, लड़की बोलती कि मेरी नीस 8 साल की, वो दिन के 6-7 टिकटॉक वीडियो बनाती है ना, रियली वॉन्ट हर टू स्टॉप बिकॉज दिस इज डेंजरस। ऑब्वियसली दिन के 6-7 वीडियो, अगर मैं भी अगर टिकटॉक तो बैन है, बट अगर मैं भी कोशिश करूँ तो मेरे से तो ना बने। है इंडिया में बहुत सारे टिकटॉकर्स जो 10-15 वीडियो बनाते थे, बट वो बात नहीं है। बात ये कि जब मैं 8 साल का था तो मुझे सबसे बड़ा स्ट्रेस मेरे लिए ये था कि मेरी माँ मुझे इस गली से बाहर साइकिल ले जाने को दे, वो दे दिया मतलब बहुत बड़ी बात है। राजन एक 8 साल का बच्चा इस बात का स्ट्रेस ले रहा है कि मुझे दिन के 6-7 वीडियो बनाने, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वो स्ट्रेस उस पर कितना हावी होगा। तो टिकटॉक रहेगा नहीं रहेगा यू नेवर नो। और सुना है कि इंडिया में वापस आ रहा है, डोंट कोट मी ऑन दिस, उड़ती उड़ती खबर, तो ऐसे तो बहुत सारी उड़ती उड़ती खबर आती है। जब टिकटॉक था तो मैं भी टिकटॉक में था और टिकटॉक एडिक्टिव था, दैट्स हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क्स। यूट्यूबर्स टिकटॉक पे आए, किसी ने यूट्यूब छोड़ा नहीं टिकटॉक पे आने के बाद, यूट्यूब पे मेन थे, और अब बहुत सारे टिकटॉकर्स देखो यूट्यूब पे आए, एंड अभी टिकटॉक बंद हो गया, सो दे हैव बिकम यूट्यूबर्स, व्हिच इज अ सेफ थिंग। वो एक रहता है फियर ऑफ लूजिंग आउट, सब लोग बोलते हैं भाई टिकटॉक पे, ऑल्दो टिकटॉक इतना पसंद नहीं था बट फिर भी सब बोल रहे हैं, तो एक मन में लगता है नहीं यार मुझे वहां रहना चाहिए, अगर वो बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया शुड बी देयर।
वो चाइनीज अर्निंग था वो बात नहीं हो रही। कितनी सारी चीजें सोचने के लिए बॉस, क्या कभी कभी मन करता है सब बंद करूं अकेला रहूं। व्हाट आई डू नाउ इज दैट आई मेक वीडियोस, आई अपलोड इट एंड आई जस्ट व्हेनेवर फील लाइक, आप लोग के कमेंट पढ़ने के लिए कभी सोते टाइम, कभी वॉशरूम में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, आपकी रिप्लाई कर देता हूं कुछ अच्छे से कमेंट्स के, बुरे कमेंट को इग्नोर करना पड़ता है एंड देन आई मूव ऑन टू माय लाइफ। बिकॉज क्या होता है कि कितना बड़ा क्रिएटर होने दो, कुछ कुछ कमेंट दिमाग के अंदर घुस जाते हैं और वो आपकी क्रिएटिविटी को इफेक्ट करते हैं। मन किया ये सब बातें करने का तो आप लोगों से कर दिया गाइस, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। If you enjoyed this vlog for whatsoever reason, don't forget to hit the like button. अगर गलती से इस चैनल पे आ गए हो, first time वीडियो देख रहे हो, तो बाकी की वीडियो पे चेकआउट करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। लाइक का बटन दबाना है, डिसलाइक नहीं पसंद है डिसलाइक दबाओ तो आने वाले हैं। तो विद दैट सेड, एज ऑलवेज, शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स। हाउ डू यू लाइक द बैकग्राउंड? मुझे लाइट का कलर चेंज हो रहा है, नोटिस किया कि नहीं किया? किया तो बहुत अच्छी बात है, टीवी पे देखो ये लाइट्स मैंने चेंज किया है। शब खैर, बाय बाय।